यूपी के बिजनौर के गांव मोहल्लर वालों में एक किसान को खेत जोतते समय सफेद धातु के कुछ चांदी के बर्तन और 70 चांदी के सिक्के मिले, जिससे उसके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि खेत से मिले बर्तन और सिक्के सफेद धातु और चांदी के हैं, जो कि अंग्रेजी शासन के दौरान के हैं। खेत पर जुताई के दौरान मिले पुराने बर्तन और सिक्के की सूचना किसान ने पुलिस को दी, जहाँ सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बर्तन और सिक्कों को अपने कब्जे में ले लिया है और सील कर दिया है। ये मोहल्लर वाला एक गांव है, थाना नगीना देहात क्षेत्र जनपद बिजनौर में। यहाँ आज सवेरे एक किसान को खेत पर जुताई करते समय कुछ सिक्के मिले, जो कि लोग जो चांदी के बताए जा रहे हैं, कहते हैं वो सफ़ेद धातुओं के हैं, और जो उनको देखने से पता चल रहा है कि वो 1857 के आसपास के हैं। इस संबंधित में संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, तो करीब 70 के आसपास के सिक्के हैं और उनको सील कर दिया गया है, और आगे पुरातत्व विभाग को भी सूचना दी जा रही है, और उसी क्रम में इसमें कार्रवाई करेगी।